सारा मैं ना लेके आई हूँ पहनने के लिए, इयररिंग्स तक, लिपस्टिक एंड ऑल एवरीथिंग। टाइम ही नहीं मिला, वो इतना हड़बड़ा गया था कि मैंने सोचा चलो सब कुछ अब मैं ये गाड़ी में ही पहनूंगी। तो मैं ये सब पहन के आप लोगों से मिलती हूँ। अभी मैं कम्प्लीटली रेडी हुई हूँ, मतलब उस टाइम घर में ना इंस्टेंटली मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी बहुत वो हड़बड़ा रहा था, वो मतलब वो रेडी हो जाता है ना कि वो मतलब मुझे बैठने ही नहीं देगा, मतलब रेडी होने नहीं देगा। तो जस्ट मैंने फटाफट मेकअप कंप्लीट किया एंड वो जो चूड़ी इयर रिंग्स एंड ऑल एवरी थिंग था उसको मैंने कैरी कर लिया, लिपस्टिक एंड ऑल। सो मैंने अभी जस्ट गाड़ी में बैठे बैठे मैं फुल्ली रेडी हो गई। तो बेसिकली हम लोग ना अभी थोड़ा पार्क स्ट्रीट एरिया जा रहे हैं ऐसे घूमने के लिए। ईद भी था कल हमें घूमने जाना था बट कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था तो हम जा नहीं पाए। तो अभी थोड़ा चलो बहुत दिन से कहीं गए नहीं है तो अभी हम लोग ऐसे ही संडे भी है थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। तो अभी तो ऐसा कोई पर्टिकुलरली प्लान नहीं है कि हम लोग पर्टिकुलरली कहाँ जाएंगे, तो अभी पहले हम लोग जाएंगे पार्क स्ट्रीट, वहाँ पर देखेंगे कि हमें कहाँ जाना है। तभी डायरेक्ट मिलते हैं अब जहाँ भी जाना होगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो गाइस मेरा ना मन था ना ये लाई लग्जरी डाइनिंग का ना ट्रूफ कैफ़े में आने का, बट गाइस यहाँ पर मैं जैसे आई ना यहाँ पर बहुत लंबा क्यू था, मतलब कि बहुत लाइन लगाना पड़ता तब मुझे एंट्री एंड ऑन मिलता वहाँ पर। तो फिर मैंने यहाँ का प्लान ड्रॉप कर दिया बिकॉज इतना लंबा कौन वेट करता। एंड देन हम लोग को ना थोड़ा भूख लग रहा था तो हम फिर यहाँ आ गए टोंग फोंग में पार्क स्ट्रीट का कुछ खाने के लिए। तो हमने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट मिक्स नूडल्स की ऑर्डर किया था एंड थाई चिकन। देन वहाँ खाने के बाद ना हम यहाँ आ गए ऑल चेरा में। गाइज ये प्लेस इतना ब्यूटीफुल था, मतलब इट्स अ ग्रीक थीम्ड कैफ़े, इतना प्रिटी था, मतलब मैंने बाहर से देखा था एंड मुझे लगा कि मुझे अंदर जाना चाहिए। तो हमें बेसिकली कैफ़े जाना ही था तो फिर ये दिखा तो हम यहाँ आ गए। मतलब वर्थ था, मतलब यहाँ आना इट्स लाइक वर्थ था। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, मतलब एक एक चीज़ यहाँ का वॉज सो 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 प्रिटी। तो हमने यहाँ पर ना ये डिमसम ऑर्डर किया था, मतलब गाइस यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा था, मतलब स्टाफ वॉज सो गुड, मतलब फूड वॉज गुड, एवरी थिंग वॉज जस्ट परफेक्ट। मतलब ये कैफ़े तो सबको जाना ही चाहिए। एंड यहाँ पर ये सम बार्टेंडर वॉज डूइंग समथिंग तो आई जस्ट रिकॉर्डेड दैट एंड आई सेड कि यहाँ का फूड बहुत ज़्यादा यम था, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था एंड सब चीज़ का प्राइस भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही था। मतलब इट्स वॉज लाइक ए नाइस कैफ़े, मतलब कि यहाँ का वाइब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। हम लोग वहाँ पर बहुत देर तक रुके हुए थे, देन जितना हो सका मैंने रिकॉर्ड वहाँ पर किया। आई वॉज इन्जॉइंग द वाइब ऑफ दैट प्लेस एंड देन हम लोग घर के लिए आ गए। सो गाइज आई एम बैक होम। तो गाइज ये इतना ही ब्लॉग था, एक्चुअली मुझे ट्रोव जाना था बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर क्यू था बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग को ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक वेट करना पड़ता ट्रोव जाने के लिए। तो इसी के लिए हम गए नहीं वहाँ पर, देन ऑल चला था तो हम वहाँ चले गए। तो बस इतना ही सारा ब्लॉग था, बहुत अच्छा कैफे भी था वो वाला, बहुत यूनिक टाइप का था पार्क स्ट्रीट में। मैं बहुत दिन से वहाँ भी जाने का सोच रही थी, मैंने सोचा चलो ट्रोव में तो फिर वहीं चलते हैं।
एंड वॉज लाइक फ्रूटफुल प्लेस, अच्छा प्लेस था। सो बस गाइज, अगर आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा तो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग।